सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू वन अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो सेशन फ्रॉम यर ओन चैनल उज ओन क्लासेज माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आईम योर बायोलॉजी मैंड डॉ इन दिस स्पेसिफिक वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ कॉक्रोच इन द लास्ट माइंड मैप हम लोग बात कर चुके थे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के बारे में कॉकरोच के माउथ पार्ट्स कॉकरोच के सेगमेंट्स यानी हेड के बारे में हमने बात की उसके बाद हमने प्रोथॉरिक्स से अटैच नेक के बारे में बात की देन प्रोथोरिक्स और उससे आने वाले फर्स्ट पेयर ऑफ लिम्स के बारे में हमने बात की यानी लेग्स के बारे में हमने बात की उसके बाद मीजोथॉरिक्स देन मेटाथॉरिक्स एंड देन एपडोमन के टेन सेगमेंट्स और एंड में जो एनल सरकाई प्रेजेंट थी और मेल्स के अंदर जो एनल स्टाइल्स प्रेजेंट थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की आज हम देखेंगे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कुछ तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू तो बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इस लेक्चर में हमारा कॉकरोच भी खत्म हो जाएगा टिश्यूज हम पहले कर चुके हैं यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा डन हो जाएगा सो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी सिग्मा स्टार 2.0 क्रैश कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं मुझे नहीं पता अभी ऐप पर अवेलेबल है या नहीं मैंने कल बोल दिया था आज हटाने के लिए बट यू कैन चेक अगर अवेलेबल है देन यू कैन अवेल इट अप अदरवाइज बंद हो गया होगा तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल हो चुकी है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है अमेजॉन के ऊपर अमेजॉन पे जाइए सर्च कीजिए सीधा मार्क्सअप आपको हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें तीस टेस्ट है और तीस के तीस टेस्ट में एक सौ अस्सी क्वेश्चन हैं सेपरेट ओ एम आर शीट है सोल्यूशन आपको मैं मेल पर प्रोवाइड कर दूंगा पी डी एफ के अंदर अगर आपको चाहिए आपको सेव करने है तो यू कैन टेक दैट अप और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें दस ग्रैंड मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं आपको सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज में नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक तो प्लीज मेक श्योर कि यह जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसको भी आप अवेल कर लें जिससे आप लास्ट टाइम पर अपनी प्रेपरेशन को जज कर पाए और ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है इस बार जो पैटर्न आने वाला है उस नए पैटर्न के ऊपर ये आधारित होने वाली है तो आप लोगों को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है इसको एक बार देख लीजिएगा मार्क्सअप की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे कि आप हमारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज को देख पाए काफी सारी फ्री चीजें भी आने वाली हैं नेक्स्ट वीक जैसा मैंने आपको बताया था काफी सारी पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं तो प्लीज मेक श्योर टू तो इंस्टॉल दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलते हैं अभी भी जो लेक्चर चल रहा है जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा इसके नोट्स भी आप लोगों तक पहुंच जाएंगे तो आप लोग अगर साथ साथ चलेंगे तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये हमारा पहला माइंड मैप था दोस्त जो हमने क्रैक किया था दिस वॉज द वेरी फर्स्ट माइंड मैप जहां हमने टिश्यूज़ की बात की थी एपिथीलियल टिश्यू की और न्यूरल टिश्यू की इसके बाद अगर आप देखें तो हमने सेकेंड माइंड मैप में कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की बात की थर्ड माइंड मैप के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ी यानी वो लास्ट लेक्चर जो आपने देखा था उसमें हमने ये माइंड मैप बनाया था बहुत ही खूबसूरत सा माइंड मैप हमने बनाया था आज हम बात करेंगे इस माइंड मैप की जो कि कोई कम खूबसूरत तो नहीं है दोस्त बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है तो वी नीड टू टॉक अपॉन दिस माइंड मैप हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अनाटमी ऑफ कॉकरोच की यानी हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच जो जो भी सिस्टम है कॉकरोच के अंदर हर सिस्टम की बाकायदा हम लोग बात करने वाले हैं तो हम क्या क्या सिस्टम देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल जिसका डायग्राम भी हमने यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है एलिमेंट्री कैनाल मतलब हम क्या देखने वाले हैं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के बाद हम यहां पर देखेंगे ब्लड वस्क्युलर सिस्टम ब्लड वस्कुलर सिस्टम मतलब आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है यानी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्सक्रीशन किस हिसाब से होती है जो एक्सक्रीटरी होता है कॉकरोच में किस टाइप का है और वो कॉकरोच की बॉडी से बाहर कैसे जाएगा देन हम लोग बात करेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम यानी यहां पर न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस हिसाब से होती है ब्रेन अगर है तो कैसी होगी क्या वो स्कैटर्ड होगी या एक जगह पर पाई जाएगी और एंड में हम लोग बात करेंगे अबाउट डेवलपमेंट राइट ये टॉपिक वैसे रिप्रोडक्शन के बाद आना चाहिए लेकिन डेवलपमेंट हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी आपको मैं समझा दूंगा एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट माइंड मैप यानी इसी लेक्चर के अंदर लेकिन थोड़ा सा अलग से क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है एनाटमी ऑफ कॉकरोच लेकिन मैंने सोचा था इसको एक दिन में ही मैं कंप्लीट कराऊंगा तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहाँ पर क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे और राइट right. सो so, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि कोई भी दिक्कत ना रहे सबसे पहले अगर मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताऊँ तो लेट्स टेक अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जैसे आपकी बॉडी के में अंदर अगर मैं यू नो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो आपको पता है माउथ इज़ द एंटीरियर ओपनिंग अगर आपने खाना खाया तो आप माउथ से खाएंगे जैसे ही आपने खाना अंदर लिया वो पहुंचा बक्कल कैविटी में जहां पे आपके टीथ और टंग प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड जो है वहां पर अपने सिक्रेशन को पोर करते हैं उसके बाद खाना जाएगा फिरिंग्स में जो कि कॉमन पैसेज है और सिंस आप खाने की बात कर रहे हो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हो तो खाना चला जाएगा ईसोफेगस में ईसोफेगस के बाद वो पहुंचेगा स्टमक तक स्टमक के बाद पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक फिर पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन तक और एट द एंड ऑफ द डे एनस के थ्रू ओपन हो जाएगा सेम चीज यहां पर देखने को मिलती है खाना आएगा एंटीरियर ओपनिंग से जिसे आपने बोला एंटीरियर माउथ राइट तो जो आपका हेड थॉरिक्स और एब्डोमेन रीजन थे हेड के ऊपर माउथ प्रेजेंट रहेगा जाहिर सी बात है जहां से कॉकरोच खाना खाएगा अब यहां पर माउथ के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट रहेगा आपका ईसोफेगस राइट तो नैरो ट्यूब जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है माउथ के बाद क्या था फिर ईसोफेगस यहां पे ईसोफेगस आ जाता है और यहां पर इसके ऊपर क्या है सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वायर यानी यहां पर सलाइवा बनेगा ग्लैंड के अंदर और रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा जो बीच वाला पार्ट है रिजर्वायर इसमें स्टोर हो जाएगा स्टोर होने के बाद जब भी जरूरत पड़ेगी पोर कर दिया जाएगा इन द एलिमेंट्री कैनाल तो क्या हुआ यहाँ पर माउथ से आपने खाना खाया वो आपका पहुंच गया है ईसो तक ईसोफेगस के बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चैंबर है, है।, यह है? यह -like है, यह है।, है यहां पर इसमें क्रॉप प्रेजेंट होता है क्रॉप के नीचे जो छोटा सा पार्ट है क्या हो गया ये हो गया गिजार्ट जिसको प्यार से प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हो ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है किसका काम करता है फूड को काटने का काम करता है क्यों क्योंकि उसमें सिक्स काइटिनस प्लेट लगी रहती है काइटिन की प्लेट बहुत टफ होती, होती, होती है तो यहां पर ये को काटने का काम करती है। राइट तो क्यूटिकल की टीथ नहीं है यहां पर नीचे की साइड गिजार्ड है जो फूड को तोड़ने का काम करेगा राइट तो इसमें आउटर लेयर है सर्कुलर मसल की जो कि चीजों को कंप्रेस करके आगे भेजेगी चीजों को चर्न करेगी राइट चीजों को पिचकाएगी उनके ऊपर फोर्स लगाएगी खाने पीने के मटेरियल पे और जो सिक्स क्यूटिकुलर प्लेट्स हैं वो फटाफट उस फूड मटेरियल को काट देंगे यानी ग्राइंडिंग का जो काम है कौन करता है जी फॉर ग्राइंडिंग जी फॉर गिजार्ड करता है यहां तक का जो रीजन है दोस्त गिजार्ड तक का ये क्या है आपका फोरगट यानी आप पूरे के पूरे गट को पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को तीन पार्ट्स में बांटते हो फोरगट यानी जो सबसे पहले प्रेजेंट है फोर मतलब फोरमोस्ट यानी सबसे पहला

यहां पर हेपेटिक सी का मतलब लीवर की तरह ये भी क्या होगा सिक्रेटरी होगा इट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस जैसे लीवर आपकी बॉडी में क्या बनाता है बाइल बनाता है वैसे यहां पर छह से आठ आपके हेपेटिक सी का प्रेजेंट रहेंगे जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं क्योंकि अब आप, जो आपका प्रोवेंट्रिकुलस था या गिजार था इसमें फूड के टुकड़े हो चुके हैं तो अब केमिकल टुकड़े भी करने हैं उसके वाया केमिकल्स डाइजेशन भी करनी है तो डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए फिर आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है यहां पर होगा मिडगट के अंदर

फिर क्या होगा उसके जस्ट नीचे फोरगट खत्म हो गया मिडगट स्टार्ट हो रहा है तो फोरगट और मिडगट के जस्ट बीच में क्या प्रेजेंट है जंक्शन पे हेपेटिक हैपेटिक्सिका हेपेटिक सीका, सीका डाइजेस्टिव जूस बनाता है देन आपका मिडगट में फूड चला जाएगा और गट स्टार्ट हो हाइंडगढ़ हाइंडगट मिडगट से ज्यादा चौड़ा है इट इज मोर ब्रॉडर और मिडगट और हाइडगढ़ के बीच में जंक्शन पे क्या प्रेजेंट रहेंगे सौ से डेढ़ सौ मालफीजन टिब्यूल जो कि एक्सक्रीशन का काम करेंगे इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं फैट बॉडीज होती है यूरिकोज ग्लैंड होते हैं लेकिन मेन जो है वो मालफीजन ट्यूब्यूल अगर एक बताना है तो मालफीजन ट्यूब्यूल और एनस के थ्रू फिर आपका जो है मटीरियल बाहर निकल जाएगा ये बात तो क्या हुआ यहां पर क्या क्या याद करना है एंटीरियर माउथ है उसके बाद फेरिंग्स है फिर इसो है ये तो सबका ह्यूमन तक कॉमन है कोई दिक्कत नहीं सलाइवरी सलाइबरी ग्लैंड सलाइबरी रिजर्वा यहां पे प्रेजेंट है क्रॉप जो है ये स्टोरेज में काम आएगा क्रॉप स्टोरेज में काम आएगा गिजार्ड को हमने बोला प्रोवेंट्रिकुलस और ये ग्राइंडिंग में काम आएगा क्यों क्योंकि तो छह है? से आठ होते हैं नंबर में और ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं फिर आपका नीचे की साइड मालफीजन ट्यूब्यूल सौ से डेढ़ सौ होते हैं थिन फिलामेंटस और आपके एक्सक्रीटरी होते हैं नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनस के थ्रू ये ओपन हो जाएंगे दिस इज योर एम एक्टेलिमेंट्री कैनाल दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल आपकी पहली चीज हो जाती है यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये बात हो जाती है। अगर आप देखते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता है कि एनेलिडा और आपका कॉडेटा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था बाकी सब में ओपन टाइप है यू नो दिस थिंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम इट तो यहां पर क्या है वेसल्स जो है ब्लड वेसल वो बहुत कम डेवलप्ड होती है तो ये सीधा सीधा जो है बॉडी कैविटीज़ में ओपन हो जाते हैं हेमोसील में ओपन हो जाते हैं हेमो मतलब रिलेटेड टू ब्लड सील मतलब सीलोम यानी कैविटी यानी यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती सीधा सारे टिश्यूज़ को बात कर देंगी इन द ब्लड राइट तो विसरल ऑर्गन जो है दे आर बात इन द हेमलिम्फ यहाँ पर ब्लड का नाम क्या है हेमोलिम्फ दिया गया है तो हेमोलिफ जो है इसके अंदर क्या क्या है हेमोलिम्फ के अंदर एक तो कलरलेस प्लाज्मा है और आपके हेमोसाइट है यानी सेल हैं यानी प्लाज्मा के आपकी बॉडी में भी क्या है प्लाज्मा है प्लाज्मा के अलावा सेल्स है आरबीसी है डब्ल्यू बी सी है या फिर सेल फ्रेगमेंट से आपके प्लेटलेट्स है ये सारी चीजें यहां पर भी क्या है मेन आपका वॉटर कंटेनिंग प्लाज्मा है और उसके बाद कुछ एक सेल्स प्रेजेंट हार्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा लंबी मस्कुलर ट्यूब बनाता है अब हार्ट है तो यहां पे कार्डियक मसल्स होंगी यह बहुत लंबी मस्कुलर ट्यूब बनाएगा इज लाइंग इन द मिड लाइन क्योंकि ये एक नॉन कॉर्डेट है कॉकरोच एक नॉन कॉर्डेट है तो हमारी तरह इसमें वेंट्रल हार्ट नहीं होता आगे की साइड इसमें डोरसल हार्ट होता है पीछे की साइड एक पूरी की पूरी ट्यूब जाएगी तेरह चैंबर्स उसके अंदर मौजूद होंगे तो थोरेक्स और एबडोम रीजन में मिड डोर्सल रीजन के अंदर क्या होगा मेरे दोस्त आपका हार्ट जो है पास हो रहा होगा

सपोर्ट करने के लिए एलआरी मसल्स लगी हुई हैं है right, तो ये आपके हार्ट के से। अब यहां से अगर ब्लड आएगा तो यहां छेद चाहिए आगे पास होगा तो यहां भी छेद चाहिए अब इसके अंदर घुसेगा तो यहां भी छेद चाहिए इससे बाहर निकलेगा यहां भी चाहिए अगले वाले के अंदर एंट्री का भी छेद चाहिए एग्जिट का भी चाहिए यहां पर भी एंट्री का चाहिए इसमें एग्जिट का चाहिए तो दोनों साइड पे पोल्स होने जरूरी है ना तभी तो एक कंटिन्यूअस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बनेगी ये बात यहां पर बोल रखी है कि ओस्टिया होने चाहिए दोनों के दोनों साइड्स की अंदर ये बात राइट right? तो काफी सारे आपके चैंबर्स हैं हार्ट के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सीधा हेमोसील में आपका ब्लड बहता है और ब्लड को यहाँ पेमोलिम्फ बोल बोला है हमारे जैसा ब्लड नहीं होता इनके अंदर हेमोलिम्फ इसका नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करें तो यहां पर ट्रेकिया मौजूद होता है इंसेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है ट्रेकिया जो है टेन पेयर ऑफ स्पिरल्स या बीस स्पिरकल बीस छोटे छोटे पोर से ओपन हो जाता है सराउंडिंग्स में यानी लेटरली यानी एक इंसेक्ट है तो उस इंसेक्ट के अंदर ट्रेकिया है और वो अलग-अलग जगहों पर ये जो ट्रेकिया है ना, ये आगे चल के डिवाइड होकर ट्रेक्योल बना लेता है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट ओपनिंग ऑफ रेगुलेटेड बाय स्पिंग यानी कि वॉल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं जो कि बेसिकली you एयर know, को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं है, मतलब हमेशा खुले नहीं रहते. यानी, में से ये समझ लीजिए आपका ट्रेकिया है तो ये ट्रेकिया किसमें डिवाइड हो गया ट्रेकिया आपके छोटे छोटे ट्रेक्योल्स में डिवाइड हो गया जो अलग अलग ऑर्गन तक जा रहे होंगे राइट right? तो स्पिर से ओपनिंग हुई वहां से एयर आ गई अब ये जो ट्रेक्योल है ये अलग अलग में सिंस फैले हुए हैं तो ये वहां पर क्या करेंगे ऑक्सीजन ले, ले जाएंगे तो डिफ्यूजन कहां पर होती है आपकी स्पिकल ओपनिंग है? ओपनिंग है आपकी स्पिराकल ये बात यहां पर हो जाती है राइट दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है कोई बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होती एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमने जैसा डिस्कस कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही कि मालफीजन ट्यूब्यूल मेन एक्सक्रिएटरी बॉडी है राइट इसमें ग्लैंडुलर और सीरिएटेड सेल्स लगे रहते हैं राइट ग्लैंडुलर सेल्स मतलब सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं इसके अलावा दोस्त आपका जो कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक है यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करता है जैसे हम लोग क्या हैं यूरियोटैलिक हम लोग यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं काफी ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं सिमिलरली कॉकरोच आपका यूरिकोटेलिक है यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है तो यहां पर फैट बॉडीज यूरिकोज ग्लैंड यूरिक से ही नाम आ रहा है और नेफ्रोसाइट नाम ही है नेफ्रॉन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा तो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड जो है यहां पर काम करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है फैट बॉडी क्योंकि यूरिकोज में नाम ही आ रहा है यूरिक तो स्टार्ट से याद रह जाएगा नेफ्रोसाइट नाम ही है नेफ्रॉन नेफ्रॉन किसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की जो कि काम करता है एक्सक्रीशन में तो ये भी याद रह जाएगा मालफीजन ट्यूब्यूल आपको वैसे याद रहता है सिर्फ फैट बॉडी याद करनी है कि ये एक्सक्रीशन में काम आती है अब अगर हम देखें नर्वस सिस्टम को तो नर्वस सिस्टम में क्या है आपके फ्यूज सेगमेंटली अरेन्ज गेंगलिया होते हैं यानी सेगमेंटली अरेंज गेंगलिया का मतलब गैंगलिया मतलब दे रेप्रेजेंट स्मॉल पार्ट स्मॉल बंच ऑफ न्यूरो कुछ गुच्छे हैं के इन्हें गेंगलिया बोलते हैं ये जो गंग्लिया है मेरे दोस्त ये आपके स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में यानी कॉकरोच का आप सर काट भी दोगे ना तो वो जिंदा रहेगा एक हफ्ते तक क्यों क्योंकि उसके अंदर सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया बचे हुए हैं यहां पर क्या है तीन गैंगलिया है आपके कहां पर थॉरेक्स के अंदर सिक्स गैंगलिया है कहां पर आपके एप्डोमैन के अंदर बैली साइड में यानी ऑन द वेंट्रल साइड तो जाहिर सी बात है दोस्त इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर इनका सर काट भी दो तो सर में सबसे इंपॉर्टेंट गैंगलिया प्रेजेंट होता है जो कि इनकी ब्रेन कहलाता है जो कि नर्व को भेजेगा कंपाउंड आई और एंटीना के अंदर पे जो पोर्शन प्रेजेंट है कंपाउंड आई जो कि मोजेक विजन में काम करेंगी एंटीना जो कि सेंसर है जो कि एनवायरमेंट को सेंस करेंगी इनके पास नर्व्स भेजता है

धीरे 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 शो करते रहेंगे, तब जाके अडल्ट बनेंगे बिगनिंग है उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज आएगी थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज सिक्स तेरह उसके बाद आपका बनेगा अडल्ट तो सिर्फ अडल्ट जो है इसके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज स्टेज में क्या होते हैं हैं विंग पैड आ जाते नेक्स्ट टू लास्ट मतलब एक तो स्टेज तो लास्ट हो गई नेक्स्ट टू लास्ट मतलब बारहवीं जो स्टेज है वहां विंग पैड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन विंग्स सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कॉकरोच के अंदर ही आएंगे अब कॉकरोच जो है इसकी कोई बहुत खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं आपने नहीं सुनी होगी कि ये बहुत ज्यादा किसी के काम आ गए कभी कभी काम नहीं आते राइट right? लेकिन ये ह्यूमन के आसपास रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि किचन विचन से खाना मिलता रहता है इनको ह्यूमिड कंडीशन मिलती है किचन की नालियों में ये लोग अक्सर पड़े हुए मिल जाते हैं ये बेस्ट होते हैं अब जैसे गोलू जो है उसके प्रिंसिपल साहब बार बार आ जाते हैं ना गोलू जो है बीमार हुआ है आपके घर की गलती की वजह से देखो कॉकरोच निकल के आपकी थाली के ऊपर गेड़िया मार रहा है एंड अल्टीमेटली आपके घर पे जो कॉकरोच है उसने फूड पॉइजनिंग पहुंचाई है स्कूल की इसमें कोई गलती नहीं है तो यहां पर क्या हुआ है दे फूड और उस पे स्मेली एक्सक्रीटा अपना छोड़ देते हैं और इनका एक्सक्रीटा कंटेन करता है काफी सारे बैक्टीरियाज और ये बैक्टीरिया कॉज कर देते हैं फूड पॉइजनिंग तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट गुड फॉर एनिमन राइट आप देखते हैं दोस्त कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है कॉकरोच में अब कॉकरोच डायोशियस होता है यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है तो इसलिए हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग पढ़ते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्त मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जहां पर स्पर्म बनेंगे तो ये आपके फोर्थ से सिक्स सेगमेंट में पाए जाएंगे लिटरली मतलब साइड्स में पाए जाएंगे जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इन द डायग्राम यहां पर देखो आपको क्या मिल रहा है यहां पर आपको लिटरली मिल रही है टेस्टिस सिमिलरली जो आपकी ओवरीज है ये भी आपको थोड़ी सी साइड में मिलेंगी एकदम सेंट्रली ओरिएंटेड ये नहीं रहती अब ये जो टेस्टिस हैं इनके अंदर स्पम बनेंगे और उसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे ये वास डेफरेंस के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाएंगे दोस्त यहाँ पर सेमिनल वसाइकिल के अंदर चले जाएंगे और सेमिनल वसाइकिल के थ्रू जब इजैक्युलेशन होनी होगी तो इस इजैकुलेटरी डक्ट ये जो येलो, येलो येलो कलर के इजैकुलेटरी डक्ट है इनसे पहुंच जाएंगे एट द साइट ऑफ इजैक्युलेशन और बॉडी के बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इन्हें फीमेल तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां पर टेस्टिस जो कि फोर्थ से सिक्स सेगमेंट में अरेंज है उसके बाद क्या होगा यहां पर टेस्टिस जो है ओपन हो जाएगी वास डेफरेंस के अंदर और वास डेफरेंस के बाद जो है वास डेफरेंस सेमिनल वेसाइकल में चला जाएगा यानी ऊपर जो आपको येलो कलर का सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला राइट ये जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे आपकी सेमिनल वेसाइकिल यहां पर बनाई हुई है राइट ये वाली देखो सेमिनल वेसाइकिल यहां बनाई बनाएगी

ये भेज दिए जाते हैं फीमेल के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन परपज तो दे केम टू फीमेल यानी स्पर्मेटोफोर जो है इकट्ठे जो जो है हैं चिपके हुए एक दूसरे के साथ गुच्छे के अंदर वो फीमेल में जाते हैं तो ये गुच्छे कहां बनते हैं सेमिनल वैसाइकल में बनते हैं राइट और ये जो इजैक्यूलेटरी ये मेल गोनोफोर में ओपन होगा राइट एनस डोर्सल साइड में पीछे की साइड मेल गोनोफोर आपके आगे की साइड होगा जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगा तो मेल गोनोफोर में कौन ओपन होगा आपका इजेकुलेटरी डक्ट स्पर्मेटोफोर्स को लेकर के राइट right? अब यहां पर देखिए दोस्त यहां पर जो आपके फेलोमेयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे तो मेल गोनोफोर जहां से आपका स्पम बाहर निकलेगा यानी स्पर्मेटोफोर बाहर निकलेगा उसको सराउंड कौन करेगा

वो चले गए आपके कहा वास डेफरेंस में वासमिनल में, सेमिनल वैसाइकल में ये आपस में एक दूसरे से चिपक गए और मेल गोनोफोर के साइड में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको हमने क्या बोल दिया है फेलोमेयर बोल दिया है या मेल गोनापोफाइसिस बोल दिया है जो कि काइटिनस एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ठीक है अब मेल गोनोफोर के थ्रू

अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ आपने क्या कर दिया स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल तक भेज दिया अब फीमेल जो गैमेट है वो कहां बनेगा ओवरी है जो कि सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट में पाई जाएगी यहां पर देखो ये सेकंड सेगमेंट मैंने बनाया हुआ है नीचे आपका सिक्स सेगमेंट तक मैंने बकायदा दिखाया हुआ है दैट दे आर टू हैगमेंट राइट तो अब ये सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट है यहां पे क्या प्रेजेंट है आपकी ओवरी प्रेजेंट है यानी साइडवेज क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड नहीं होती अब इस ओवरी के साथ अटैच कौन है एट ओवेरियन ट्यूब्यूल एट ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल यहां पर प्रेजेंट रहते हैं अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो ओवरी है इसमें ऐसी ऐसी लाइनिंग दिखाई दे रही है यहां पर आठ कंपार्टमेंट हैं आठ ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है आठ ओवेरियोल्स है जिनमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा पाई जाएगी यानी काफी सारे ओवम आपको यहां पर मिलेंगे किसके अंदर काफी सारे ओवम आपको देखने को मिलेंगे इस ओवेरियोल इस ओवेरियन ट्यूब्यूल के अंदर राइट? Right? फिर क्या हुआ दोस्त यहां पे देखो यहां पर आपकी ओवरीज थी ओवरीज कहां ओपन होंगी ओविडक्ट में और ये जो ओवी डक्ट है मिलकर यहां पर क्या बनाएंगे कॉमन ओविडक्ट जिसे हम बोलेंगे वजाइना तो सिंगल मीडियन ओविडक्ट यानी कंबाइंड जो ओविडक्ट है दोनों के दोनों आपकी ओवरीज की इसे मिलकर हमने बोला वजाइना जो कि जेनाइटल चैंबर में ओपन होती है यानी इस चैम्बर में ओपन होती है एग्स को लेकर के अब थिका यहां पर क्या कर रहा है देखो स्पर्मेटो फोर्स तो मेल में प्रेजेंट है स्पर्मथिका थीका यहां पर प्रेजेंट होगा फीमेल के अंदर स्पर्मथीका क्या होता है इट इज प्रेजेंट इन पेयर इन सिक्स सेगमेंट दैट ओपन इनटू टू जेनाइटल चैम्बर यानी कि यहां पर जो है आपके जेनाइटल चैंबर में जब स्पर्म्स आएंगे स्पर्मेटोफोर्स आएंगे तो बहुत कहां तक पहुंचेंगे आपके स्पर्मेथिकल चैम्बर तक पहुंचेंगे फीमेल राइट right? ये बात हो जाती है तो यहां पर देखो यार क्या क्या हुआ अब जो कॉमन ओविडक्ट है दैट इज वजाइना सिंगल मीडियम ओविडक्ट है जो कि कहां तक पहुंचेगी जनाइटल चैम्बर तक पहुंचेगी राइट right? और इसके बाद जो है इट इज प्रेजेंट इन सिक्स सेगमेंट स्पर्मेथिकल फोर आपका यहां पर सिक्स सेगमेंट में पाया जाएगा जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होगा अब जब स्पर्मेटोफोर्स यहां पर आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए तो आपके इन एग्स से जो कि पहुंचे हैं जेनाइटल चैम्बर तक इनके साथ फ्यूज हो जाएंगे और यहां पर एन जो फर्टिलाइज एग है इन्हें आप बोलेंगे ऊ थी ऊ मींस एग थी मतलब ऊपर लेयर चढ़ी हुई है जो कि कैप्सूल है तो जब एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे जब उनके साथ स्पर्म की मीटिंग हो जाएगी तो वह ऊ थी जो है बना लेंगे राइट एंड यहां पर देखो ये जो ऊथिका है ये डार्क रेड से लेकर ब्लैक ब्राउन कलर तक के हो सकते हैं ये डार्क रेड कलर के हो सकते हैं और ब्लैक ब्राउन यानी डार्क कलर के होंगे ओवरऑल और एट एम एम इनका साइज होगा ऊथिका का इस ऊथिका को इस बहुत बड़े से साइज के ऊथिका को हम क्या कर देंगे ह्यूमिड प्लेस पे रख देंगे जहां पर फूड की अवेलेबिलिटी भी हो जिससे कि इसकी डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना आए कॉकरोच एक बार में ऐसे नौ से दस ऊथिका जो है ह्यूमिड प्लेस पे डालता है और हर ऊथिका के अंदर लगभग चौदह से सोलह एक्स होते हैं फर्टिलाइज यानी अगर 9 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल एक बार में 126 से 160 अंडे फर्टिलाइज होते हैं यानी एक बार में लगभग ऑन एन एवरेज

ये वो पांच लेसन हैं दोस्त जो कि हमने अभी बना लिए हैं यानी पांच स्लाइड्स हैं जिनके अंदर आप ये पूरा चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हो मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को आज ही झटपट ज्वाइन करो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सारे के सारे नोट्स के लिए जैसे यह लेक्चर अपलोड होगा तब के तभी आपको नोट्स मिल जाएंगे मार्क्स ऑफ की लर्निंग ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए बहुत सारे कोर्सेज अगले वीक के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा सिग्मा स्टार टू नाम का क्रैश कोर्स जो है अगर अवेलेबल है आई एम नॉट वेरी श्योर जाकर चेक कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर, अगर अवेलेबल है नी ट्वेंटी ट्वेंटी ले सकते हो बाकी मुझे लगता नहीं अवेलेबल होगा बट एक बार प्लीज चेक कर लेना ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आई विल पर्सनली रिकमेंड इन दोनों में से एक टेस्ट सीरीज या दोनों टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई कैच इन द नेक्स्ट वीडियो और ये इकट्ठे जो माइंड मैप्स है ये मैं आपको दूंगा आप अनाटमी के कंप्लीट होने के बाद राइट फर्स्ट यूनिट के बाद सारे माइंड मैप्स अपलोड हो जाएंगे एक सिंगल पीडीएफ के अंदर मैं कंबाइंड पीडीएफ बना चुका हूं तो सारे माइंड मैप्स एक यूनिट के एक ही पीडीएफ में आ जाएंगे राइट? एनाटॉमी जैसे को करूंगा बहुत पहले बता रहा हूं तो कब आएगा, कब आएगा। बड़े बड़े जल्दी खत्म कर लेते हैं ठीक है तो अनाटमी को बहुत स्लोली कराऊंगा दिन का एक लेक्चर जैसे आप बर्डन ना पड़े इकट्ठा बोरिंग चैप्टर पढ़ लेते हो बहुत बर्डन पड़ेगा दिन के पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट में तीन चार दिन में इतने प्यार से अनाटमी हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गए और इंस्टाग्राम पर यार अगर हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल जाओ जुड़ जाओ जहां भी जुड़ सकते हो यार जुड़ जाओ तो, सो थैंक यू सो मच मिलता हूँ अगले लेसन के अंदर लाइव अभी सॉल्व करेंगे हम लोग बायोडावर्सिटी एंड कंजर्वेशन आज प्रण लिया था कि इकोलॉजी आज कंप्लीट करेंगे टेन थाउजेंड क्वेश्चन लेक्चर सीरीज की देखते हैं पूरा होता है कि नहीं मोस्ट <laughs> पॉसिबली पूरा हो जाना चाहिए तो मिलते हैं यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि लिंक वहीं पर आएगा लाइव सेशन का काफ़ी लोग लाइव सेशन मिस कर देते हैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि लाइव सेशन कहाँ हो रहा है तो एक बार ज्वाइन कर लो शुक्रिया बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव जय हिंद मिलते हैं अगले लेसन के अंदर बाय